स्टार्ट हो गया ना। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन माई सेल्फ और योर मॉम। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अपक्रिया वेग, अपक्रिया दर या अपक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट अपक्रिया वेग अर्थात वेग स्थिरांक के संबंध में पढ़ा। आज के लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक का ताप गुणांक किसे कहते हैं। इसके साथ साथ अपक्रिया की कोटि के प्रकार और शून्य कोटि व प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक का निरूपण, उससे संबंधित आंकिक प्रश्न। तो आइए अपक्रिया की कोटि के प्रकार, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे शून्य कोटि की अपक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ एक्शन। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, अपक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। जो अपक्रिया की कोटि दो है वो कभी शून्य भी हो सकती है, अर्थात कोटि परिस्थिति पर, कंडीशन पर डिपेंड करती है। इसके संबंध में एक उदाहरण आपको बता दें, जैसे HCl है H2 प्लस Cl2 क्रिया करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में HCl बनाते हैं। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो है, आणविकता भी दो है, बट यही चीज, यही रिएक्शन एकदम प्रकाश की उपस्थिति में जल से भरी ट्यूब के उपस्थिति में कराते हैं, वहां पर कोटि शून्य हो जाती है, अपक्रिया अधिक फास्ट हो जाती है। इस वजह से फास्ट यानी तीव्र अपक्रियाओं का वेग निर्धारण लगभग संभव नहीं होता, इस वजह से वहां पर तीव्र अपक्रियाओं की कोटि शून्य मान ली जाती है। तो अब इसी में शून्य कोटि की अपक्रिया के संबंध में आप देखेंगे वह अपक्रिया जिसका अपक्रिया वेग अभिकारकों सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, वह क्रिया जिसका क्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती। इसके उदाहरण के रूप में हम आपके सामने को देते हैं, जैसे ये अपक्रिया है H2 प्लस Br2, इसके स्थान पर Cl2 भी ले सकते हैं। इंसिडेंस ऑफ लाइट है H न्यू और एक ट्यूब है ट्यूब
ड्रिंकिंग वाटर एक नली है, विद वाटर जल से भरी नली प्रकाश की उपस्थिति में इन दो गैसों का रिएक्शन कराने पर 2HBr बनता है, किंतु कोटि यहां पर शून्य रहती है। ये फास्ट रिएक्शन हो जाता है, ये फास्ट रिएक्शन है। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर शून्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्रिया की फास्ट होती है, इसके द्वारा क्रिया का वेग निर्धारण संभव नहीं हो पाता। वायुक्ता तो यहां पर दो है, किंतु कोटि शून्य रहेगी। यदि ये परिस्थितियां हटा दी जाए ये अक्रिया द्वितीय कोटि की बन जाएगी। तो ये कोटि एक तरह से प्रायोगिक मान है और वो वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है। इसी क्रम में और भी अक्रियाएं शून्य कोटि की संभव है। अब शून्य कोटि की अक्रिया के लिए व्यंजक आइए, इसके लिए पहले मात्रक आप देखेंगे। वेग स्थान का मात्रक अक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। तो आइए अक्रिया के लिए वेग स्थान का मात्रक क्या है। वेग स्थान का मात्रक यहां पर एक जनरल फार्मूला है मात्रक निकालने का। ये वेग स्थान के बराबर होता है मोल मोल दमन का वह मोल सांद्रता से, और ये 1 माइनस n यहां पर n कोटि की संख्या है, और इसी क्रम में लीटर मोल पर लीटर n-1 और ये सेकंड इनवर्स रहता है, सेकंड वन रहता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसमें शून्य कोटि के लिए इसमें ऑर्डर ऑफ लिए शून्य कोटि के लिए आपको क्या रखना है, n बराबर 0 यदि n माने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0 है, तब k का मात्रक क्या बन जाएगा मोल, और यहां 1 0 रखेंगे और लीटर यहां पर 0-1 रखेंगे, और इसी क्रम में ये सेकंड इनवर्स करेंगे। फाइनली ये मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स ये आपका 0 ऑर्डर के लिए है, 0 ऑर्डर के लिए आ गया है वेग स्थान का मात्रक। अब इसके लिए वेग स्थान व्यंजक का निरूपण कैसे करते हैं, डेरिवेशन है ये, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। वेग स्थान व्यंजक का निरूपण, वेग स्थान व्यंजक आइए इसके लिए हम एक सामान्य अक्रिया लेते हैं और ये प्रोडक्ट मिसाइल का बायपोलर अभिकारक उस पर निर्भर करती है। तो प्रोडक्ट आपने ले लिया, इसी का वेग स्थान के लिए वेग समीकरण dx / dt बराबर k कंसंट्रेशन की, ये शून्य कोटि की है इसलिए यहां पर अभिकारक का संकल पर लगी धारा शून्य होगी। इसके पश्चात ये क्या करके लिखेंगे dx / dt बराबर k, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इसी क्रम में इसको आप लिख सकते हैं या dx बराबर k dt, ये इस तरह से। अब इसका हम समाधान करते हैं, आप लोग देखते हैं जानते हैं। अब इसमें से समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर यहां पर आ जाएगा x बराबर
केटी प्लस सी, जहां से ये समाकलन स्थान है, ये सी है, यहां पर सी समाकलन स्थान और ये यदि ये समीकरण आपका नंबर तीन हो गया, यदि t बराबर जीरो देन x आउट को जीरो, उस स्थिति में ये बराबर x at और ये आपका बन जाएगा फाइनली c के स्थान पर शून्य आ जाएगा, देन c आउट को जीरो बन जाएगा, c जीरो के बराबर है तब यहां पर जीरो हो जाएगा और इस तरह से आपका समीकरण जो तीन है वो बन जाएगा। अतः समीकरण तीन में c बराबर जीरो रखने पर ये आ जाएगा आपका x बराबर k इंटू t और ये या x बराबर x अपान t बराबर कि ये एक रिलेशन है वेग स्थान का शून्य कोटि के लिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मात्रक क्रिया आपने पढ़ा, क्या संबंध आया आपने पढ़ा, इसी क्रम में इसकी क्या विशेष अर्धायुकाल के साथ क्या संबंध है, शून्य कोटि के क्रिया के लिए अर्धायुकाल का क्या संबंध लिखते हैं इसमें ध्यान दें। क्रिया के लिए अर्धायुकाल का संबंध है t ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ e, यहां पर आपका जैसे ही बन जाएगा x अपान t है बराबर k है, ये t ऑफ जो है वो a माइनस x ऐसे लेंगे, ये आपका अर्धायुकाल के लिए है, ये गुणक यहां पहले आप देखेंगे t हाफ
स्थानांतरण पर निर्भर करता है। ध्यान रखें, इसी क्रम में हम आता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का मात्रक और वेग स्थान का व्यंजक साथ संबंध तथा अभिकारक की चालकता पर वेग स्थान की निर्भरता कई बातें आइए इसमें प्रथम कोटि के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का मात्रक है वेग स्थान का मात्रक यहां पर है यदि n बराबर 1 है ये मॉडल ऑफ फ्रिक्शन कोटि 1 है मींस n और ये बराबर जनरल फॉर्मूला इसका लिखते हैं मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स यहां पर 1 रखेंगे तो ये कट जाएगा और ये मोल 1 माइनस 1 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ 1 और ये इसके साथ है यहाँ पर आप लाएंगे 1 और ये भी माइनस हो जाएगा लीटर ये आपका लीटर और ये 1 माइनस 1 ये भी आपका इनटू 1 बन जाएगा और ये सेकेंड इनवर्स बनेगा फाइनली आएगा ये a के लिए प्रथम कोटि के लिए a का मात्रक है तो टाइम इनवर्स होता है इससे का डिफरेंस तो इस तरह से इसका मात्रक निकालते हैं। इसी क्रम में हम इसके लिए इसका व्यंजक कैसे निकालते हैं उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान का व्यंजक तो आइए वेग स्थान व्यंजक है वेग स्थान व्यंजक इसमें सबसे पहले आप वेग समीकरण बनाएंगे प्रोडक्ट और इसके लिए डीएक्स अपॉन डीई बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए वन जहां ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन वन है इस तरह से अब इसी क्रम में यहां पर अब आप सीधे इसका ये लिख सकते हैं या डीएक्स अपान डी की एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे यहां से इसको आप करेंगे ये प्रारंभ में पहले इसका बना लें ए मोल और ए जीरो और ये टी सेकंड बाद आप लेंगे टी सेकंड में ये ए माइनस एक्स और ये हो जाता है एक्स अब यहां से आप लोग लेंगे अब डी एक्स अपान डी की बराबर के इंटू ए माइनस एक्स या इसी को आप लिख सकते हैं dx अपान ये टर्म कंसंट्रेशन टर्म एक साइड में ले आएंगे और ये k इंटू डी एक साइड में आ गया अब इसका आपको समाकलन करना है समीकरण एक बना लीजिए समीकरण एक का समीकरण एक का समाकलन करने पर समाकलन करने पर आ जाएगा ये लॉग ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में नगण्य है इसलिए बटे में आ जाएगा और लॉग लेने पर माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर और ये बन जाएगा के टी प्लस सी यहाँ ये भी टाइम फैक्टर है ये के टी आ जाएगा और ये इस तरह से आपका बनेगा इसी क्रम में अब आगे आप ध्यान देंगे अब इसमें यदि t बराबर 0 कर दिया जाए तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी अतः माइनस लॉग e ये समीकरण आप इसको 2 बना लेंगे समीकरण 2 से अतः समीकरण 2 से समीकरण 2 से
ये आपका आएगा माइनस लॉग एस टी और ये ए बचेगा, एक्स जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये बराबर सी पे आ जाएगा। ये सी अब इस समीकरण को सी का मान समीकरण एक पे, सी का मान समीकरण दो में रखने पर सी का मान लिखेंगे आप लोग, सी का मान समीकरण दो में रखने पर यहां जाएगा आपका माइनस, ये समीकरण समीकरण दो में रखने पर बल्कि समीकरण एक आप दो में समीकरण दो में रखने पर समीकरण एक में बल्कि समीकरण चलिए हाँ ठीक है समीकरण दो ही रखिए, समीकरण दो में रखने पर जाएगा माइनस लॉग ई और ये ए माइनस एक्स आएगा बराबर टी आएगा प्लस यहां पर आ जाएगा माइनस लॉग बेस टी एंड ई। अब इसको आप टर्म को अक्षांतर कर लेंगे यह बन जाएगा माइनस, ये आपका माइनस है ये और अक्षांतर कर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये टर्म माइनस वाला नीचे आ जाएगा, ये आपका लॉग बेस टी ए बाई ए माइनस एक्स, ये टर्म माइनस में का नीचे ले रहा है, ये पक्षांतर किया तो धनात्मक हो गया इस तरह से और ये बराबर ए टी आ गया। अब इसी क्रम में इसका हम लॉग बेस 10 लाने पर तो लॉग बेस टी और 10 का रिलेशन होता है लॉग बेस ई बराबर 2.303 लॉग बेस 10 होगा। ये इस तरह से यहाँ पर पुट कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको सीधे के टी यहाँ पर आएगा ये के टी बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स। इस तरह से ये रिलेशन आपको होता है केटी के साथ इसका संबंध, सॉरी ये के यहां पर आप ले लेंगे सीधे और ये एक संबंध आपको वेविस्थान और समय के साथ इसका संबंध है। ये प्रथम कोट की अभ्या के लिए है। अब इसी क्रम में आगे वाह वेविस्थान में संबंध क्या है, वेग स्थान के में संबंध क्या प्रश्न लगा रहा हाँ। अब आप लोग आधार काल व वेग स्थान में क्या संबंध है और आइए अब इसमें से हम प्रथम पुरुष की अभिक्रिया का जो समीकरण आपने पढ़ा टी एंड लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, ये प्रथम पुरुष की अभिक्रिया की व्यंजक है। यहाँ ये समय और ये वेग स्थान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और ये टी समय बाद तेज सांद्रता है सांद्रता है और इस तरह से अब इसमें हम क्या करेंगे उसको समीकरण एक ले लेंगे, हमें अकार काल का संबंध लाना है टी के साथ। तो अब ये इसमें यदि यदि हम टी को क्या करते हैं हाफ करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ एक्स है एक्स वैल्यू टी बाई टू हो जाएगी, जो परिवर्तित मात्रा होगी क्योंकि अर्धायु काल जो होता है किसी भी पदार्थ किसी अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो समय होता है, इसमें अधिकारिक पदार्थ की मूल सांद्रता का आधा भाग उपवास में परिवर्तित हो जाता है या आधा भाग शेष रह जाता है, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो आधा का मतलब जो टी सेकंड में एक्स परिवर्तित हो रहा था तो टी हाफ का मतलब एक्स बराबर ही वैल्यू, अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे के बराबर और ये 2.30 एंड टी हाफ और ये बन जाएगा इसके स्थान पर आप ले आएंगे
लॉग ए अपॉन ए बाई टू बन जाएगा, ये एक्स के लिए ए बाई टू लिखेंगे, ये आया। और इसी क्रम में ये 2.303 बाई टी हाफ और ये लॉग और ये आएगा 2। और लॉग 2 का मान आप जानते हैं वो आप रखेंगे हम, और ये आ जाएगा सीधे के बराबर 0.6932 बाई टी हाफ। एक रिलेशन आता है सिंस यहाँ लॉग 2 जो होता है, लॉग 2 का मान है 0.3010 इतना होगा ये। इस तरह से एक रिलेशन आ गया प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक और अर्थानुपात का एक संबंध है। और यहाँ पर इस पे आप न्यूमेरिकल भी पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल आप उस टाइम लगाएंगे और ऑफलाइन क्लासेस के दौरान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, क्योंकि समय अभाव है, इस वजह से कोर्स पहले खत्म करने की बात है। और बाकी अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, इसकी जो भी प्रॉब्लम आती जाएगी वो उसका समाधान होता रहेगा। इसी क्रम में लास्ट हम और आपको बताएंगे कि प्रथम कोटि के प्रक्रिया के लिए अर्धायु काल की अभिकारक की सांद्रता पर क्या निर्भरता है, क्या रिलेशन है, तो ध्यान दें अभिकारक की सांद्रता पर निर्भरता प्रथम कोटि के लिए प्रक्रिया के लिए के की अर्धायु काल की ए पर निर्भरता, ए ये अभिकारक का संग्रह है। इसी क्रम में ये आप इक्वेशन ले सकते हैं के बराबर 0.6932 हो। इस रिलेशन में ए जैसा कोई टर्म नहीं है, यहां पर आप सीधे ले सकते हैं उपर्युक्त संबंध में सम्मिलित नहीं है, अतः टी हॉफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंडीशन। इस तरह से बात आपकी पूरी होती है। थैंक यू वेरी मच।